बात करेगा और वो आपको दिशा दे रहा है। किस चीज की दिशा दे रहा है सर? जल विद्युत के लिए दिशा दे रहा है। और जल विद्युत में मैंने आपके लिए पहले भी सर ध्यान रखना, उन्होंने क्या कहा है, बाजार की जो मांग है यानी कि जो काम बाजार को चाहिए उसके लिए वो तत्पर। पंक्ति में बैठ जाते हैं, ध्यान रखना उस पंक्ति में कुछ बेसब्रे लोग भी होते हैं जो बार बार कहेंगे भाई कड़ी दे दे। ध्यान रखना ज्यादा तिगड़म करने से भी काम खराब हो जाता है। देखा होगा आपने कई व्यक्ति जो होते हैं व्यापार हो, अगर हमें पैसा कमाना है तो बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर विकास लाइफ केयर की, और बात करेंगे सर ONGC की, और बात करेंगे कि इंडस टावर ने क्या कहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे BHEL यानी कि भेल के बारे में, वो क्यों हमें थोड़ी 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 ग्रीनता दिखा रहा है, क्या कारण है उसका कि आगे जाकर भेल पर हमारी किस तरह की दृष्टि होनी चाहिए, उसके बारे में एक अच्छी सी एनालाइज आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मार्केट से अगर हमें पैसा कमाना है तो बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ हमें करना क्या है सर, कुछ शेयरों में इंतज़ार करना है, उसकी गिरावट का इंतज़ार करना है और वहाँ पर कुछ शेयरों को लेकर बैठना है सर। जब हम ऐसे काम कर लेते हैं तो वो शेयर हमें समय देने पर आने वाले टाइम में लॉस से भी प्रॉफिट तक जाता हुआ वो शेयर 100% दिखेगा सर। लेकिन उसके अंदर वो शेयर जो होने चाहिए आपने उसको काम के प्रति लिया होना चाहिए सर। ध्यान रखना ज़्यादा तिगड़म करने से भी काम खराब हो जाता है। देखा होगा आपने कई व्यक्ति जो होते हैं व्यापार हो, घर हो, कुछ हो, सब में अपनी जालसाजी करते रहेंगे, तिगड़म लगाते रहेंगे, इधर का उधर, उधर का इधर टोपी घुमाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला शेयर मार्केट में, उससे सिर्फ हमारा जो पैसा है ना इधर का उधर करके ही कम होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना सर लंगर तो आपने कभी खाया होगा सर, भगवान का जो प्रसाद होता है, लंगर होता है, भंडारा होता है, जब आप एक पंक्ति में बैठ जाते हैं ध्यान रखना उस पंक्ति में कुछ बेसब्रे लोग भी होते हैं जो बार बार कहेंगे भाई कड़ी दे दे, दाल दे दे, सब्जी, चिल्लाएंगे बराबर। और लेकिन कुछ ऐसे सभ्य लोग भी होते हैं, देखो लंगर जो होता है सर अमीर गरीब नहीं देखता, ध्यान रखना इस बात का, एक लंगर और प्रसाद एक ऐसी चीज है जहां अमीरी गरीबी बांटने वाला नहीं देखता, खाने वाला नहीं देखता, वो सिर्फ भगवान के नाम पर होता है। इसलिए लंगर भी खाना बहुत ही एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर पॉजिटिव थिंग लाता है, तो इसलिए कभी कभी आपको लंगर और प्रसाद लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं चिल्लाएंगे बार बार, लेकिन कुछ उसके अंदर चुपचाप बैठे हैं, और देखना सर जो चुपचाप बैठा है ना उसके पास बार बार आएंगे कुछ चाहिए, देख लेना आप, यकीन करना आप, देखना कि जो धैर्य से लंगर में बैठा होगा ना उसको ज्यादा लोग उसके पास आते हैं, और जो ज्यादा चिल्ला रहा होता है ना सर उसके पास कम आते हैं। ये आज आप जाकर देख लेना, इस चीज को आजमा लेना। तो इसका क्या माध्यम है सर? कि इसका माध्यम है कि धैर्यता, सहनीलता और आराम से बैठना और इंतजार करना ही आपको सक्सेस करेगा। इसके अलावा इस दुनिया में सक्सेस की कोई और चाबी नहीं है, इसको आप समझकर चलना पड़ेगा। तो धैर्य दीजिए और अच्छे अच्छे शेयरों को लीजिए, बड़ा आसान है पैसा कमाना और वो आपको पैसा जरूर देंगे, इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा। बात करेंगे ONGC की, और इसलिए बात करेंगे जिस तरीके से सर सौर ऊर्जा पे टाटा, अंबानी, अडानी और अधिकतर जो भी इस क्षेत्र में चल रहे हैं वो तेजी के साथ इस सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं सर। ध्यान रखना सर ONGC ने राजस्थान में जो वहां की सरकार है उनसे मदद मांग रहे, उनसे कह रहे हैं कि हमें 5,000 एकड़ जमीन चाहिए क्योंकि हमें एक सौर ऊर्जा पे अपना एक प्लांट लगाना है जिसमें हमें 1 गीगावाट का काम वहां पर करना है। तो इसकी एक ऐसी दिशा हमें ONGC ने दिखा दी है कि वे तेल से निकलकर, गैस से निकलकर अब ये ऐसे क्षेत्र पर जा रही है जहां इसने सोलर को अपना एक फ्यूचर बनाने का मन बना लिया, यानी कि ग्रीन ऊर्जा में जाने का मन ONGC ने बना लिया है।
और इस क्षेत्र में सर 5,000 करोड़ रुपए ये निवेश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को पूरा होने में 3 साल लगेंगे, जिस तरीके से ONGC ने कर दिया है। अब राजस्थान में पहले टाटा भी गया है, अडानी भी गया है, और अब ONGC जो भारत की एक कंपनी है जो बेस्ट काम करती है, और वो अब अपनी ऊर्जा सौर से भी लेने के लिए तैयार हो रही है। तो ध्यान रखना, ये सौर ऊर्जा जो है ना, आने वाले दिनों पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो एक परियोजना जो इनकी ONGC की है, 1 गीगावाट की, राजस्थान की सरकार से ये बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव संकेत होते हैं सर। देखिए सर, इन शेयरों में गिरावट उछाल से मतलब नहीं है, इनके जो काम के तरीके हैं वो हमें एक अच्छी दिशा पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, भेल पर क्यों आ रहे हैं इतनी तेजी के निशान, मैं आपको बता दूं। मैंने आपको भेल जो है सर, शुरू से ही बताया कि ये शेयर जो है बढ़िया से बढ़िया काम कर रहा है, प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे ले रहा है, और देश की जरूरत जो भेल है, जिसने लड़ाकू विमान में भी अपने काम की एक प्रतिक्रिया बीते दिनों बताई थी, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये जल विद्युत के क्षेत्र में भी चलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कोल इंडिया NLCIL के साथ भी इसने जो कोयले से गैसीकरण होता है ना, उसके लिए भी 2 प्लांट के लिए इन्होंने उससे प्रोजेक्ट के लिए बात की है। ध्यान रखना सर, आने वाले दिनों में भेल जो है ना, आपको सर अच्छे टारगेट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। अब इसकी गिरावट से घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो काम है ना वो आपको जानना इसलिए पड़ेगा, क्योंकि भोपाल में भेल के क्षेत्र में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद जी ने विजिट किया था। अब उन्होंने विजिट किया है तो उन्होंने कहा क्या है कि जिस तरीके से भेल में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अच्छे अनुभवी हैं, तकनीकी रूप से बहुत ही अनुभवी हैं, और बाजार की जो मांग है सर, ध्यान रखना उन्होंने क्या कहा है, बाजार की जो मांग है यानी कि जो काम बाजार को चाहिए उसके लिए वो तत्पर तैयार है, उसमें वो काम करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। सबसे ज्यादा उन्होंने जो ध्यान लगाया है भेल पे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जल विद्युत की जो एक परियोजना है उसमें जो काम करने के लिए क्षमता है ना, उसको तैयार करने की रणनीति भेल ने बना दी है। तो अब इससे क्या दिशा मिल रही है, इससे दिशा ये मिल रही है कि भेल जो है जल विद्युत की जो परियोजना है उसके अंदर काम करने के लिए बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। सबसे ज़्यादा मुद्दा उन्होंने जल विद्युत की जो प्रणाली है इनकी भेल की, उसमें करने के लिए बताया है। जिस तरीके से भेल R&D में काम कर रहा है, अपने अच्छी तकनीक में काम करके और अपने को ज़्यादा उजाले की तरफ ले जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत होते हैं। जब इतना बड़ा कोई अध्यक्ष कंपनी में जाकर इस तरीके की बात करेगा और वो आपको दिशा दे रहा है, किस चीज़ की दिशा दे रहा है सर, जल विद्युत के लिए दिशा दे रहा है। और जल विद्युत में मैंने आपके लिए पहले भी NHPC में राह खोली है, पहले भी मैंने आपको बताया कि नेपाल ने चीन से जो कंपनियों को उन्होंने प्रोजेक्ट दे रखा था, उन्होंने भारत की कंपनियों को देने के लिए वो प्रोजेक्ट अपने हिसाब से देखा है, क्योंकि वो भारत को अपनी बिजली देगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्षेत्र में भेल क्या दिख रहा है, जल विद्युत की जो परियोजना है उसके अंदर वो काम करता हुआ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता हुआ, कंपनियों की मदद करने के लिए वो तैयार हो रहा है। तो भेल यहाँ से पॉजिटिव संकेत दिख रहा है सर। ये चीज़ें जो खोजनी है ना, वो न्यूज़ के द्वारा खोजी जाएगी, और विजिट करने का मतलब होता है कि उन्होंने ये सीधा सीधा बताया। वैसे तो बिजली के क्षेत्र में काम भेल कर ही रहा है, लेकिन एक जो जल विद्युत के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा इसको बिंदु रखा है, टारगेट रखा है। तो इस टारगेट से हमें ये देखना है कि आने वाले दिनों में भेल जो है जल विद्युत जो प्रणाली जिसमें काम करते हैं उसके लिए काम करता हुआ नजर आएगा, अपनी सेवा देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से जो हमें भेल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना किसी चीज़ को भी जानने के लिए उसकी वर्डिंग जो न्यूज में कहा गया है और उससे आने वाली दिशा क्या दिखती है सर, दिखती है सर पवन, हवा घूम रही है, पंखा चल रहा है, और विंड टरबाइन से बिजली निकल रही है, धूप निकल रही है, सोलर चल रहा है, और जब जल से ही आगे जाकर बिजली और ज़्यादा बनाई जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड भी जो है ना जल, हवा और सूर्य के पीछे पड़ गया है कि इनसे बिजली ज़्यादा से ज़्यादा निकले और कार्बन मुक्त बिजली बनाकर वो आगे जाकर कुछ दिखाएं। तो यहाँ पर उनके विजिट से, जो भोपाल में उन्होंने विजिट किया है, यहाँ से जल विद्युत की जो एक आशंका है ना कि भेल इसके अंदर काम करेगा, वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है।
रही, तो यही मजबूती होती है कि आपको अपने शेयर को रखना है। अब बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, विकास लाइफ केयर के बात करने से पहले एक छोटी सी बात समझना सर, ध्यान रखना कि गाय का जो दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, वो बताते हैं बहुत अच्छा होता है गाय का दूध, या किसी चीज की भी कोई चीज है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कोई लोग बता रहे हैं, तो होगा क्या सर, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू और ज्यादा तब बढ़ेगी जब उसे खरीदने के लिए हजारों और माल सिर्फ 5% हो। ध्यान रखना, खरीदने के लिए हजारों और माल सिर्फ 5% हो, तो वो जो 5% जिन जिनको भी मिलेगा तो वो वैल्यू बढ़ा देगा उसकी गाय के दूध की। ध्यान रखना, और ध्यान रखना जब गाय के दूध को खरीदने के लिए खरीदार ही नहीं रहेंगे, दूध पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। वैल्यू तो है उसके अंदर, गाय के दूध में वैल्यू है। अब ऐसे समीकरण जो बन जाते हैं कि भाई कुछ ऐड ही नहीं किया, एक ऐड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उजागर में नए नए प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाता है, टीवी में नए नए ऐड आ रहे हैं, भाई ये प्रोडक्ट मुझे लेना है, शॉर्टेज हो जाता है। अगर हम किसी चीज के बारे में कोई किसी को बताएगा ही नहीं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि विकास लाइफ केयर जो है आने वाले दिनों का हीरा है, और ये वही काम कर रहा है जो बहुत तेजी के साथ अपने को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिस तरीके से अपने ये डेट को कम करते जा रहे हैं और अधिकतर इनका जो कर्जा मुक्त होते जा रहे हैं, ये पॉजिटिव संकेत इसके अंदर ला रहा है। आपको मेरी एक बात समझनी चाहिए सर कि मैंने क्यों कहा है कि गाय का दूध क्या है सर, बहुत ही पौष्टिक होता है, अच्छा होता है, लेकिन अगर उसे खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो वो और वैल्यू बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसे खरीदने वाले कोई नहीं होंगे, उसे ऐसा दर्शाया जाएगा भाई है नहीं, पैसा नहीं है, काम तो अच्छा है, तो हम भी उसे खरीदनेंगे नहीं। तो ये वही शेयर है, ये काम आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा करके दिखाएगा, हर क्षेत्र में ये काम करता जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर जो आ रही, पिछले क्वार्टर में जिस तरीके से जो इसके अंदर प्रमोटर हैं अपनी होल्डिंग 13.33% करीब की रखते हैं, उन्होंने 1.69% की अपनी होल्डिंग कम कर दी है। अब प्रमोटर इसके अंदर से भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, लेकिन इस कंपनी में FIs को ऐसा क्या दिख गया है कि उसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 12.21% का कर लिया है। FIs जो हैं दूरदर्शी हैं, और उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें इसके अंदर देखी है कि वो प्रमोटर तो कम हो रहे हैं, FIs इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, इसके अंदर जो रिटेलर हैं 74% करीब के हैं सर, लेकिन रिटेलर भी इसके अंदर से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ध्यान रखना कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो गिरावट में ज़्यादा होगी, ध्यान रखना, और तभी तो हम अपने शेयरों को एग्जिट करते हैं। अब इस शेयर को मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है कि मुझे विकास लाइफ केयर की एक वीडियो चाहिए, एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसके अंदर हमें लगे हाँ भाई इसके कुछ शेयर हमारे झोली में होने चाहिए। अपने काम के प्रति बढ़ाकर अपने को अच्छा करना, अपने कर्जे को बिल्कुल ही कम करना, तो ये क्या दर्शा रहा है सर, ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कुछ में कुछ और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। FIs की होल्डिंग बढ़ना पॉजिटिव संकेत, लेकिन जिस तरह से प्रमोटर कम हो रहे हैं ये थोड़ा सा निगेटिव दर्शा रहा है, और आगे भी जाकर इसके अंदर से प्रमोटर कम हो सकते हैं, क्योंकि पैसों की जो ज़रूरत है ना कंपनियों को हमेशा रहेगी जिस तरीके से, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा हीरा है जो आपके हाथों से गिरावट से ही जाएगा, बढ़ावट से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और जो इसके अंदर से पैसा कमाएगा वो इसके अंदर वेट करेगा, और वेट ही आपको बताएगा कि इस काम की जो ये कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू तभी बढ़ेगी जब खरीदार ज़्यादा होते हैं, या फिर इस तरीके से दिखा दें कि हाँ भाई इसके अंदर ना बहुत कुछ अच्छा हो गया है, तो तब ज़्यादा खरीदार बढ़ जाते हैं। और जब आपके पास कुछ अच्छी चीज़ भी होगी ना, 500 का नोट बंद हुआ सर, जब 500 का नोट बंद नहीं था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, बहुत ज़्यादा, और जब 500 का नोट बंद करा मोदी सरकार ने तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कागज़ के समान होगी इसकी वैल्यू, तो क्या हुआ 500, कुछ नहीं हुआ ना सर,
तो आपको धीरे धीरे समझना है कि शेयरों में काम कैसे करते हैं, क्या क्या रणनीति बनाई जाती है, क्या क्या साइकोलॉजी इसमें वर्क करती है, सारी चीज़ों को समझना है। विकास लाइफ के लिए एक अच्छा शेयर है, लेकिन जल्दी से आपको प्रॉफिट देने का नहीं, ये कहीं आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसके अंदर से प्रॉफिट चाहिए तो जैसे ही आपको कहीं पर प्रॉफिट आता हो, अपने प्रॉफिट को आपको अपने अनुसार देखना चाहिए। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और बात इसलिए भी वोडाफोन आइडिया की करनी आज जरूरी हो जाती है कि इंडस टावर ने एक अच्छी सी बात जो बोल दी है कि वोडाफोन आइडिया जब ये 10 रुपए के आसपास टहलेगा और वहीं पर 33% की हिस्सेदारी सरकार लेगी, जब ये शेयर ही 10 रुपए से नीचे जा रहा है तो सरकार 10 रुपए पे स्टेक अपना कैसे लेगी। तो इंडस टावर ने कहा है कि सारी की सारी समस्या ये है कि सरकार इसके अंदर अपना स्टेक जो लेने में देरी हो रही है वो सारा का सारा शेयर प्राइस का एक खेल है कि जो वोडाफोन आइडिया नीचे की तरफ टहल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं ले रही तो इसका मतलब जो निवेश आने वाला है उसमें भी देरी हो रही है, और सारा का सारा जो आधार बिंदु बनाया गया है वो बनाया गया है 10 रुपए के लेवल पर। अब इससे होगा क्या सर? अब इससे सर टाइम तो लग सकता है, लेकिन 10 रुपए में ये शेयर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि इंडस टावर एक जानी मानी सबसे बड़ी कंपनी जो यहाँ पर है, जो मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन में बड़ी कंपनी है इंडिया में, उसने एक बात कह दी है। तो अब ये 10 रुपए का इसका इंतजार करोगे, अब इसके पास कब आएगा? फिर वहीं पर ये सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। साफ साफ इंडस टावर की तरफ से ये आया है 20,000 करोड़ रुपए जो निवेश आने वाला है, ये भी बार बार न्यूज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के बाद इस वाली न्यूज का भी हमें वेट करना पड़ेगा। तो सारी समस्याओं को हल इंडस टावर ने इस तरीके से कहा है कि 10 रुपए पर शेयर नहीं है इसलिए सरकार का स्टेक नहीं है। ये चीज़ आपको समझकर इस वीडियो से समझनी पड़ेगी, और इंडस टावर की जो एक रणनीति है जिस तरह से उन्होंने वोडाफोन आइडिया के बारे में बताया है वो आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सर वैल्यू जिस चीज़ की बढ़ती जाएगी उसमें खरीदारी ज़्यादा होती जाएगी, और तो ये आपको समझना पड़ेगा विकास लाइफ केयर में। और आसानी से आप अपने शेयरों से पैसा कमा सकते हैं, वो आपको धैर्य से ही आएगा। भेल में जिस तरीके से भोपाल में अध्यक्ष जी ने इसका दौरा किया और अपनी एक बात पंच बिजली पर बता दी है, क्षमता भेल की, ये भेल को ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ONGC ने जिस तरीके से सौर ऊर्जा में अपनी एक प्रणाली बनाई है, इससे अच्छे संकेत हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और ONGC कंपनी में लग रहे हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।